साहेब 6 नंबर से ना। चलिए ध्यान दीजिए, इधर उसमें बैठ जाइए, आप इधर आ जाइए। लाइव है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ये 6 नंबर सवाल हमारा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 6, सवाल संख्या 6, ध्यान दीजिएगा। वहां जाइए, उधर कहीं पे हो, इस पे सेकंड फर्स्ट पे। कहता है, सुनिए, 600 रुपये को ए बी सी में विभाजित किया जाता है, ए के हिस्से के 2/5 भाग से 40 अधिक, बी के हिस्से के 2/7 भाग से 20 अधिक और सी के हिस्से के 9/17 भाग से 10 अधिक। रुपए सभी बराबर बराबर है तो ए का हिस्सा कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर बोला 40 रुपया अधिक, 20 रुपया अधिक और 10 रुपया अधिक बराबर है। रेशियो का केस यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस का 40 हो जा रहा, प्लस का 20 हो जा रहा, प्लस का 10 हो जा रहा है। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक हिस्से का 2/5 से, तो बताइए एक हिस्से का 2/5 कितना हो जाएगा, 2a/5 हो जाएगा, होगा जी। एक हिस्से का मतलब गुना 2/5, तो कितना हो गया, 2a/5। इसको इस तरीके से लिख दिया हम, एक हिस्से का 2/5। फिर इसके बाद कह रहा है से 40 रुपया ज्यादा, तो इसमें 40 रुपया हम क्या किए, जोड़ दिए। फिर कहता है बी के हिस्से का 2/7, तो आपका हो जाएगा 2b/7 से 20 रुपया अधिक, तो यहां पर हम 20 रुपया जोड़ दिए। फिर कह रहा है सी के हिस्से के 9/17, तो आपका हो जाएगा 9c/17 से 10 रुपया अधिक, तो प्लस का 10 कर दिए, प्लस का 10 कर दिए। सब आपस में बराबर है, पढ़ लीजिए ना, सभी आपस में बराबर हो रहे हैं। ए का 2/5 से 40 रुपया ज्यादा, बी का 2/7 से 20 रुपया ज्यादा, सी का 9/17 से 10 रुपया ज्यादा, सभी बराबर है। तो हमने बराबर कर भी दिया, बराबर हमने कर दिया। अब देखिए ये तीन चीजें आपस में बराबर है, तो क्या ये कोई कांस्टेंट के बराबर होगा? आपने मैथमेटिक्स में हमेशा पढ़ा होगा शुरू से अब तक कि जब भी कभी जब सिर्फ LHS RHS दो रहे तब तो किसी से बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तीन टर्म रहेगा 1, 2, 3 तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर होता है, के बराबर करते हैं हमेशा, ऐसा किए होंगे पहले भी। तीन टर्म जब भी बराबर हो जाएगा तो बराबर में के हम लोग लेते हैं। अब बताइए क्या यहां से ए का मान लिख सकते हैं हम? देखिए ए का मान लिख सकते अगर आपसे पूछा जाए तो, जैसे इसको इक्वेट करेंगे हम के से, तो बताइए जो प्लस का 40 है उधर माइनस में चल जाएगा, तो हो जाएगा के माइनस 40 हो जाएगा। एक मिनट, ऐसा करिए, यहां पर ऐसा करिए, के ना मान करके थोड़ा सुविधा होगा, जानते हैं क्या मान लीजिएगा। देखिए तो यहां पर ए का कोफिशियंट कितना है, 2 है, यहां बी का कोफिशियंट 2 है और यहां सी का कोफिशियंट 9 है, तो 2, 2, 9 का हम लसा लेंगे, 2, 2, 9 का हम लसा लेंगे। आप देख सकते हैं 2, 2 और 9 का जो लसा होगा वो 18 होगा, तो यहां पर हम 18 के मान लेंगे। ऐसा करने जानते हैं कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। आप वो के मान के देखिए, अरे वो 18 के मान के देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाता है 9 से कटता है। अगर के मानते ना तो k/9 आ जाता, k/2 और k/2 भिन्न का सेंस बन जाता, इसीलिए अंश मैंने घेर दिया है किसका किसका लसल लेना, 18 तो 18 के हमने मान लिया यहां पर। अब देखिएगा वापस ए का मान निकालना है,
बोलिए 18 के माइनस 40 क्या हो जाएगा जी, 18 के प्लस में 40 है वो माइनस में 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए 2/5 ना एक के साथ गुणा में है, तो 5 जाएगा ऊपर 2 नीचे उतर जाएगा, यानी 5/2 से यहां पर गुणा हो जाएगा, ये हो गया ए का मान। फिर देखिए इसके बाद बी का मान आप लिख सकते हैं, आप बी का मान चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इक्वेट करेंगे फिर 18 के से, 18 के माइनस 20 क्या हो जाएगा यहां पर, 18 के माइनस 20 और देखिए 2/7 है ना, बी का मान लिखना, 7 जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, यानी 7/2 से गुणा, यानी उलट के गुणा कर देंगे, बी का मान हो गया। अगर हम बात करते हैं सी की वैल्यू कितना होगा, तो इसको 18 के से इक्वेट करेंगे तो 18 के माइनस 10 होगा, 18 के माइनस 10 और 9/17 है ना, गुणा करेंगे 17/9 से, तो ए का मान निकल गया इतना, बी का मान निकल गया इतना, सी का मान इतना निकल गया। अब बताइए टोटल पैसा कितना था, 600 रुपया, 600 रुपया टोटल था, एबीसी में बांटना था, इसका मतलब ए का हिस्सा बी का हिस्सा और सी का हिस्सा जब जोड़ देंगे तीनों को तो 600 रुपया के बराबर नहीं होगा, तीनों को जब जोड़ देंगे तो 600 रुपया के बराबर होगा। तो आप तीनों को जोड़िए, यहां पर आप तीनों को जोड़िए, आप तीनों को जोड़िए, देखिए आपका हो जाएगा 5/2 और इंटू में हो जाएगा, ये कष्ट बढ़ाते हुए चलिए ना, बताइए थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए, 18/95/2 45 के 40/25 200 में 200 भाग दिए तो 100 हो गया, प्लस 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 है ना, ये किसका हो गया, ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा ही है। फिर देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 18/7 126/2 63 के और 20/7 140/2 कितना 70 हो जाएगा, तो ये हो गया बी का हिस्सा हो गया, हुआ ना जी। अब फिर देखिए यहां पर 9 × 18 17 × 34 के माइनस 170 और बटा में 9 हो जाएगा, नहीं कटा यहां पर 9 से ये कट रहा है, 17 × 170 और बटा में 9 नहीं कट रहा है, तो ई हो गया क्या, सी का हिस्सा हो गया और तीनों को जोड़ दिए बराबर 600 हो जाएगा। सोचिए जरा 5/2 से इसमें गुणा, 18/95/2 45 और फिर 5/2 से इसमें गुणा तो 40/25 200/200। वैसे यहां पर देखिए यहां गुणा किया तो 9 से कट गया, लेकिन 10 × 17 170/9 नहीं कट रहा है, सब जगह कट गया, यहां पे एक जगह सिर्फ नहीं कटा है ना। के जब मानते ना, के जब मानते ना, तो इस सब जगह भिन्न मिलता, अब ऐसे देख लीजिए लगभग एक ही जगह सिर्फ भिन्न बिना, बाकी सब जगह कट गया, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में सहूलियत हुआ। अब चलिए इसको मौखिक थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए 45 के और 63 के कितना हो जाएगा, 142 के हो जाएगा इधर 142 के हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए आप माइनस का 100 और माइनस का 70, माइनस 170 हो गया, माइनस 170 चल जाएगा उधर प्लस में तो 770 हो जाएगा, फिर 170/9 जाके और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 770 और फिर प्लस हो जाएगा 170/9 हो जाएगा। देखिए 142 के बराबर इसको गुणा करके 70 जोड़िए आप, कितना हो जाएगा जी 0, 963 का 3 6 और 963 और 6 कितना 69 और प्लस में 170 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जी 7100 हो जाएगा, अब बटा में 9 हो जाएगा, हमें लगता है कि इससे कटेगा, ये कटेगा नहीं, 71 × 142 होता है ना, तो इससे कट गया ये 50 बार में, तो के का मान आ गया 50/9। अब सवाल कहता है ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना है, तो देखिए यही तो है ए का हिस्सा, ई वाला, ये है बी का हिस्सा और यह सी का हिस्सा, तब ना तीनों जोड़ने पर 600 पूरा है। तो सवाल में कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा है पता है क्या, 45 के
माइनस 100, इसी को ना आगे बढ़ाने पर आया है। अब k का मान 50 बटा 9 रख दीजिए, k का मान 50 बटा 9 रखिए, तो यहां पे रख देंगे 50 बटा 9 और माइनस का 100 हो जाएगा। 9 से 5 बार में 250, 250 माइनस 100, 150 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का यही तरीका है, थोड़ा सा इसमें रस है सवाल में। हाँ, दूसरा तरीके ऑप्शन तो खैर है ही, ऑप्शन की भी चर्चा हम कर देते हैं, इसको थोड़ा नोट करिएगा एक बार फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। सवाल में रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि अधिक कम का केस है कि इतना अधिक इतना अधिक इतना अधिक, अभी तीन तीन डाटा है, एसएससी में पूछा गया सवाल है ये। लिख लिए, चले देखिएगा। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो हम ऐसे करते हैं, बेसिकली 600 रुपया टोटल है, एबीसी में बांटना है। कहता है ए का 2/5 से 40 रुपया ज्यादा, देख लीजिए वही मैंने लिखा है, ए का 2/5 से प्लस 40, बी का 2/7 से 20 रुपया ज्यादा, सी का 9/17 से 10 रुपया ज्यादा, तीनों बराबर है, हमने बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखिए क्या करना है, पता है ये 2/9, ये 2 और यहां जो कॉफिशियंट में 2 है और यहां जो 9 है, हम क्या करेंगे इन तीनों का लसा लेंगे, कितना लसा आया 18, तो 18 के मान लेंगे कांस्टेंट को, के ना मान के वहां 18 के मानेंगे। इससे कि ये फायदा होगा, देखिए ये सब 2 से यहां पर ये कट गया, अगर यहां पर 18 के नहीं मानते तो यहां भिन्न बन जाता, भिन्न बन जाता, भिन्न बन जाता और थोड़ा सा लेंदी हो जाता ये चीजें। तो एक यहां पर आप 18 के मान सकते हैं के जगह पर, थोड़ा सहूलियत होगा। इसके बाद बारी बारी से 18 के से इक्वेट करना है सभी को, इसको 18 के से इक्वेट करेंगे, इसको 18 के से इक्वेट करेंगे, इसको 18 के से इक्वेट करेंगे, तो ए का मान निकलेगा, बी का मान निकलेगा, सी का मान निकलेगा के फॉर्म में। देख लीजिए ना, ए का मान कितना होगा, तो प्लस 40 है ना, तो ये माइनस का 40 है, 2/5 है तो गुणा करेंगे 5/2 से उल्टा, ए का मान, बी का मान तो माइनस का 20 कर देंगे और 7/2 से गुणा कर देंगे बी का मान, और ये हो गया सी का मान, है ना। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए तो 18/95/2 45 और 40/2 100/2 100, ये ए का मान, वैसे आगे बढ़ाए बी का मान और ये हो गया सी का मान, और तीनों को हमने कर दिया प्लस, तो कुल मिला कितना है तीनों 600 रुपया, बराबर 600 कर दिया। अब सॉल्व किए तो 45 के 63 के 34 के जोड़े 142 आ गया,
माइनस 100 माइनस 70 कितना, माइनस 170 जो उधर प्लस में चल गया, तो 600 प्लस 170 770। आई जो माइनस में 170 बटा 9 इधर प्लस में गया, प्लस का 170 बटा 9 जोड़े तो इतना आ गया k का मान 50 बटा 9। अब आपसे a का पूछे, b का पूछे या c का पूछे, k का मान जो आ गया है ना, k का मान जो आ गया है उसको बैठा दीजिए। a का मान पूछेगा तो इसमें बैठाइए, या इसी का मान ही है आप इसमें बैठा सकते हैं। b का मान पूछेगा तो k का मान इसमें बैठाइए, या k का मान आप यहां बैठे इसी का कर सकते हैं, आगे बढ़ाया हुआ रूप ही है। c का मान पूछेगा तो k का मान या तो आप यहां बैठा दो, या फिर इसी का मान ये है आप यहां बैठा दो, तो तीनों का मान निकल जाएगा वापस। हमसे a का मान पूछ रहा है, एक तरीका हमारा ये है। दूसरा नंबर ऑप्शन से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से आप इसका अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से भी तो कहीं ना कहीं तो करना तो पूरा पड़ेगा ना। 600 रुपया टोटल है, और ए का हिस्सा कितना है ना, देखना है यहां पर। और जबकि सवाल कह रहा है ए का 2/5 से 40 ज्यादा, बी के 2/7 से 20 ज्यादा, और सी के 9/17 से 10 ज्यादा, सब बराबर है। तो ऑप्शन से भी तो कहीं ना कहीं समय तो लगेगा ही ना। ऑप्शन से फिर मान लेते हैं कि 150, ए रुकिए ना, हल्ला क्या करते हैं, ऑप्शन से अगर चलेंगे तो एक का 150 ले लेंगे, तो फिर कह रहे हैं 150 का 2/5 में 40 जोड़ेंगे, और फिर बी का हिस्सा, तो बी का 140, तो फिर वो तो कहां से आएगा, बात ये है ना, तीन तीन है ना यहां पर, दो रहता तब ना होता, यहां पर तीन है, जैसे एक आम ऑप्शन से लिए 150, तो बाकी बच गया 450, और 450 में बी भी है और सी भी आपका है, तो कितना बी कितना सी थोड़ी ना कन्फर्म है। अगर दो गो रहता तो ए गो हो जाता ऑप्शन से, अब बाकी जो घटाने पर बच गया वो दूसर का हो जाता। ये कितना डाटा है, 1, 2, 3 है, तो 3 में 1 का ये हो जाएगा, बाकी का 2 ये दोनों हो जाएगा, है ना। बोलिए, इसका 2/5 किए, फिर तीनों पर चेक करना पड़ेगा ना, फिर चेक तीनों पे करना ही पड़ेगा, ऐसे ही इनका कहना है। देखिए इसे मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं, ठीक है, तो जैसे ए का 2/5 प्लस 40 बराबर कितना, 150 ए का, और गुणा में 2/5 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 30 × 60 = 40 हो जाएगा, 100 हो गया। अब इसके बाद यही 100 बनाना है सबका, उसका भी इसका भी, अगर सब में आ रहा है तो ऑप्शन ठीक है, तो फिर इधर 100 ले लेंगे, 100 इधर ले लेंगे, और फिर हो जाएगा b का 2/7 प्लस 20, तो फिर 20 जाके घटेगा कितना हो जाएगा, 80, फिर 2 से कटेगा 40 बार में, और 40 से 280 हो जाएगा, तो b का मान ऐसे 280 हो जाएगा। फिर ऐसे हम फिर c का लेंगे, तो c का 9/17 और प्लस 10 बराबर फिर 100 लेंगे, तो तीनों बराबर है, फिर ये 10 जाकर घटेगा 90, 910 बार में ये हो जाएगा, c का मान 170 हो जाएगा। फिर इसके बाद जानते हैं क्या करना पड़ेगा, a का फिर b का जो आया वो और c का जो है उसको जोड़ के चेक करना होगा, अगर 600 आ गया तो ये ठीक है, अब अगर नहीं आया तो फिर से ये ऑप्शन लेके फिर ये करना पड़ेगा।
इसमें भी आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। 100-100 बराबर आया थोड़ी ना आप कर रहे हैं कि 100 यहां पर है ना, तो बराबर आया थोड़ी ना आप कर रहे हैं आप 100, वो तो निकालना ही पड़ेगा उधर। ये तो बी निकालना पड़ेगा 100 के मदद से, और 100 के मदद से सी निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर 600 पूरेगा तो ऑप्शन ठीक है, ना तो दूसरे पे चेक करना पड़ेगा। वन सेवेंटी और 280 और 150 आ रहा है ना, 600। तो बाकी बनाना है, मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से बनाना है, इसका कोई दूसरा उपाय ना है। वो ऑप्शन ऐसे है फिर वो है आपका, रेशियो वगैरह नहीं बनेगा यहाँ। सवाल बनाइएगा, नहीं देखिए इसको ही बता दे रहे हैं, 500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे कि एक के हिस्से का 2/5 से 16 रुपया ज्यादा 16 जोड़ दिए, फिर करे बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपया कम तो 70 घटा दिए, और सी के 3/5 यानी 3c/5 से 4 रुपया कम तो 4 घटा दिए, बराबर है सब। बताइए यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, लसा कितना 6, तो यहां पर 6 के मान लेंगे। अब बताइए जी, अब देखिए थोड़ा और शॉर्ट किया जाएगा, अब समझ गए तब। हमको ए का मान निकालना है तो पता है क्या होगा, 6k-16 और गुना में हो गया 5/2, ए का मान प्लस। अब यहां पर बी का मान लिखना है तो हो जाएगा 6k+70 और इंटू में 4/3, बी का मान प्लस हो जाएगा 6k+4 इंटू 5/3 सी का मान, सी का मान, बी का मान, ए का मान, और तीनों को जोड़ दिए बराबर 500। वहां पर अलग अलग लिखे थे ए बराबर इतना, बी बराबर पहला सवाल था इसलिए लिखे थे। अब ए बी सी तीनों को जोड़ के यहां पर कर देंगे हम, इसके बाद इसको सॉल्व करिए। देखिए 6 × 30/2 15 के मौखिक करेंगे, 15 के 6 × 24/3 8 के 15 और 8 23 और 6 × 30/3 10 43 के हो गया टोटल, 2-3 स्टेप यहां छोड़ा गया 43 के। देखिए ना 6 × 30/2 15 के, 6 × 24/3 8 के, 6 × 30/3 10 के, तो 15, 8, 10, 43 के हो गया। फिर देखिए 16 × 80/2 -40 70 × 4 280/ कहां 33 होगा। एक मिनट 6 × 30/15 और फिर यहां 15, 8, 23 और 10, 33 ओके 33 होगा। अच्छा ये 16 × 80/2 40 हो गया, प्लस में हो जाएगा 280/3 क्योंकि 3 से कट नहीं रहा है, फिर ये हो गया प्लस में कितना 20/3 और बराबर में 500 हो गया। सुनिए ये 280 आप 20 जोड़िए, 300/3 कितना 100, 100 − 40 प्लस का 60, अब प्लस 60 जाके माइनस हो जाएगा तो 440 और यहां पर हो जाएगा 33 के, तो 11 से कटेगा 3 बार में और 11 से कटेगा 40 बार में, तो के का मान हो गया 40/3 हो गया। अब के का मान 40/3 हो गया तो सवाल में कह रहा है ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ। तो देखिए के का मान 40/3 यहां बैठा दीजिए, है ना जी, तो के का मान 40/3 यहां बैठाइए या फिर नीचे वाले में बैठा सकते हैं, यहां पर इसी का नहीं मान है, ना 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 इसी का मान कितना हो जाएगा 15k-40 होगा, है ना 15k-40। अब k का मान 40/3 बैठाइए तो 3 से कटेगा 5 बार में, 40 × 200 में से 40 घटेगा तो 160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा डी की ए हो जाएगा 160। फिर वैसे ही 160 से शुरू हो रहा है, फिर वैसे ही बी का निकालेंगे 200, सी का निकालेंगे 140। दो चार बार इसको बनाइएगा आप घर पे जा करके।
दो चार बार इसको बनाना है। ई वाला सिक्स के जरूर मानिए, के मानिएगा तो सवाल और लेंदी होगा। बड़े आगे थोड़ा इसका आंसर निकालिए। तो ये तो शायद पिछल के सवाल है जी। दो बटा पांच से चालीस रुपया ज्यादा, हाँ वही वाला शायद सवाल है। नहीं, एक नंबर छ आठ सात छ, छ नंबर है, छ नंबर ना है। छ नंबर में खाली ए का पूछता था, इसमें ए बी सी तीनों का पूछ रहा है। चलिए ये सवाल तनी सब लोग कोशिश करिए अभी यहीं पर, हाँ कोशिश करिए अभी सब लोग बनाइएगा। नौ नंबर सवाल बनाइए सब लोग, अभी यहीं पे बनाना है। कुछ चांस लग रहा आएगा, करिए करिए जल्दी से कैलकुलेशन। आप लोग अभी शुरू भी नहीं किए हैं, कुछ आ रहा है किसी को? कितना आ रहा है? चार नंबर, तीन नंबर।
बढ़ा जाए। कितना लोग का सी है, अगर हाथ खड़ा करिए, तीन नंबर बस। चलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर, एक बार फिर से बता रहा हूं। सवाल कहता है 1500 रुपये को एबीसी में बांटना है, ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक है। देखिए ए का 2/5 तो कितना होगा, 2a/5 होगा। देखिए ए का 2/5 से 40 रुपये अधिक, तो 40 हमने जोड़ दिया। फिर सवाल कहता है बी के 3/10, बी के 3/10 यानी हो जाएगा 3b/10 से 50 रुपये अधिक, तो 50 जोड़ दिए। फिर कहता है सी का 5/24 से 75 रुपया ज्यादा, तो 5c/24 से 75 रुपया ज्यादा, तो प्लस 75 कर दिए। और ये आपस में बराबर है, ए का 2/5 से 40 रुपया ज्यादा, बी के 3/10 से 50 रुपया ज्यादा, सी का 5/24 से 75 रुपया बराबर है। आप बताइए ये कितना है, 2 है, ये कितना 3, और ये कितना 5, तो 2, 3, 5 का लसन 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां पर हम 30k कर देंगे, 30k मान लेंगे। अरे लसा करेंगे 2 का, 3 का और 5 का, बताइए भाग लगेगा किसी से, नहीं लगेगा, तो सीधे गुणा कर देंगे, 5 × 3 = 15 × 30, 30 लसा हो जाएगा इसका। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे। बताइए ए का मान, देखिए अलग अलग लिख के हम बता दे रहे हैं, ए का मान कितना होगा, तो हो जाएगा 30k। इसको इस सब छोड़ देना है दोनों को, इसको सीधे उससे देखना है, तो -40 हो जाएगा, 30k - 40। और फिर 2/5 है ना, ये 5 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, इसमें दिक्कत है क्या किसी को? देखिए 2a/5 + 40 = 30k, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30k - 40, इधर हो जाएगा 2a/5। अब ये जो 5 नीचे में है वो कहां जाएगा, ऊपर, और ये जो 2 ऊपर में है वो कहां जाएगा, नीचे, उल्टा जाता है, 5/2 यही a का मान हो जाएगा, है ना। तो वही चीज थोड़ा मौखिक करना है। आप देखिए इसको आप आगे भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए 30 × 150 कितना, 75 के 40 × 200 में 200 भाग दिए 100, तो यही हो गया ए का हिस्सा हो गया। इसी बी का लिखिए, इसको एक्स को इक्वेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 30k - 50, और बटा में क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा जी, 300/3, 100k माइनस में हो जाएगा 500/3 हो जाएगा। वैसे ही अब सी का मान हम निकालेंगे, अलग अलग हम करके बता रहे हैं ताकि थोड़ा और क्लियर वे में लोग समझे। इसको इसे इक्वेट करना है तो 30k - 75 हो जाएगा, 30k - 75, और 5/24 है ना, गुना होगा 24/5 से। बोलिएगा देखिए 5 से कटेगा 6 × 24 = 144k, 5 × 15 = 15 × 24, 360 हो जाएगा आपका। ए का मान, बी का मान, सी का मान, अब 1500 रुपया को बांटना था एबीसी में, तो तीनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, और तीनों जोड़ के 1500 रुपये से इक्वेट कर देंगे। देखिए तीनों को जोड़िए, यहां पर तीनों को जोड़िए, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 144 + 144 = 244, 244 × 75 = 319 है, 319k हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कैसे जोड़ना है, -360 और -100, माइनस हो जाएगा 460, -460 और माइनस में 500/3, सब जुट गया ना, बराबर हो जाएगा 1500 के। अब देखिए
ये हो गया 319 के अब k का मान निकाल लेना है, माइनस में 500 बटा 3 ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1960 हो जाएगा, फिर ये जाके फिर से प्लस होगा, फिर से प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 319 के बराबर 1960 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5880 और 500 और जोड़ेंगे 6380 हो जाएगा, 6380 और बटा में 3 हो जाएगा। आप देखिए इससे कट रहा है 20 बार में, यानी k का मान हो गया 20 बटा 3, k का मान हो गया 20 बटा 3 हो गया। अब कहता है ABC का मान बताओ कितना है, ABC का मान बताओ कितना है, तो ABC का मान यहां रख रख देंगे। अब बोलिए 20 बटा 3 रखेंगे तो 3 से कटेगा 25 बार में, 25 गुना 20 500, 500 में से 100 घटेगा तो 400। अब ऐसे भी 400 से शुरू होने वाला एक एक ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन 4 शुरू नहीं हो रहा है। फिर चाहे तो आप इसमें बैठा सकते हैं, इसमें बैठा सकते हैं, उत्तर हो जाएगा। इस बार मैंने अलग अलग सब लिख दिया है पूरा का पूरा एकदम। कुछ पूछना है बोलिएगा। कहीं पर ना बुझाया समझने में बोलिएगा, एक बार रिकॉल कर दें, किसको रिकॉल करें, टीममेट को रिकॉल कर दे। अच्छा पबजी में ये फैसिलिटी दे दिया है, एक बार वहां चांस मिलता है, टीममेट अगर मारा जाए तो फिर से उसको जाके रिकॉल कर सकते हैं नहीं। हाँ हाँ खेलते हैं, हमारा मूड फ्रेश आजकल पबजी पे ही होता है लगभग एक साल से, बढ़िया अच्छा खासा मारते हैं लगभग 11, 12, 15, 8, 7। हमको तो मन करता है रात में जो उन टाइम में खेलते हैं ना 1.5 घंटा उस टाइम में लाइव कर देते हैं गेमिंग चैनल बना करके ना नहीं नहीं आईडी बहुत ज्यादा फिर आने लगेगा नोटिफिकेशन वगैरह है ना। कुछ अंकुश से सर्च करिएगा ना, शायद अगर मिल जाए तो ठीक है। अंकुश मैथ्स, अंकुश मैथमेटिक्स, कुमार अंकुश, अंकुश 1, 2, 3, 4 है ना अब जो 5, 6, 7 बोले ना इसी में एक आध है ना। आगे बढ़े, लेकिन बहुत बेकार चीजें है ना। अगर मान लेते हैं बाई चांस अगर गड़बड़ी हो गया, मान लेते हैं अगर मारे गए अगर स्टार्टिंग में, तो फिर से दोबारा फिर मनी नहीं भरता है, फिर से खोलो 1.5-2 बज जाता है रात में है ना आगे बढ़े। बड़े कुछ पूछना है कहीं पर, एक हमारा कजन है वो अभी दिल्ली या कहीं गया था अभी, मतलब उसको हायर किए हुए पबजी वाला जो नहीं देखता है स्टार्ट करते 1-1.5 करोड़ का जो गेम होता है उसको हायर किए हुए और अच्छा खासा हमको लगता है 1-1.5 लाख के आसपास महीने में वो कमाता है, वो पबजी से कमाता है वो। और उसको अगर अपने साथ कभी खेलवाता है तो हमको एक को मार ही नहीं देता है, वो सारा 20 मिनट में सारा गेम खत्म कर देता है, इतना 35-35 को 20-20 को आपका मार देता है उसे। लेकिन एक दिन भर उसी में पागल रहता है। फिर उसको टिकट दिया था, प्लेन से गया था शायद दिल्ली या कहीं गया था, उतना हम जानकारी पूछे पाछे नहीं है ना, लेकिन वो घूमित रहता है, कभी वहां जाके खेलता है 20 डेट ऐसे करता, इस तरीके से करते रहता। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में है ना, अगर उसमें भी खेल रहे तो बढ़िया है। बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते कौन होगा जो पार्टनर खेलता होगा तो उसको सोने दो, मार 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 है ना आगे बढ़ा जाए। ये सवाल कह रहा है 2020 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 1/4 से 30 रुपया ज्यादा, बी का 1/5 से 30 रुपया कम, सी के 1/8 से 70 रुपया अधिक, आपस में बराबर है तो पूरी राशि में बी का हिस्सा। ये बनाइएगा, इतनी बनाइए फिर से, ये बहुत कम लोग बना रहे हैं, ये आसान है, इस सवाल का कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप करके देखिए, क्योंकि 1/5, 1/4, 1/8 है, 8 ऊपर चल जा रहा है उलट के तो भिन्न बन ही नहीं रहा है,
सवाल का कैलकुलेशन बहुत आसान है, जल्दी से करिए, निकालिए। ऐसे ही सब नहीं खेलना चाहिए, गलत बात है। हम भी नहीं खेलते, बस ऐसे ही बोल रहे थे ना। पढ़ाने पढ़ने से थोड़ी ना समय एक्स्ट्रा आएगी, खेला जाए पबजी तबजी, बेकार चीज है, घटिया चीज है ये सब। अब वो आजकल कोई किसी का सुनता है? हाँ ठीक है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, आप भी मेहनत करिए बस। जल्दी से आंसर बताइए। 900, इसका कैलकुलेशन बड़ा आसान है, सब लोग का आंसर आना चाहिए। आप लोग आया? नौ सौ चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखिएगा। इधर कहता है 20-20 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि एक हिस्से का एक चौथाई तो कितना हो जाएगा, ए बाई फोर हो जाएगा, बर प्लस 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 30 रुपया से 30 रुपया ज्यादा। फिर कह रहा है बी का हिस्से का 1/5 यानी बी बाई 5 से 30 रुपया कम, तो हमने 30 घटा दिया। सी के हिस्से का 1/8 तो सी बाई 8 हो गया से 70 रुपया ज्यादा, तो 70 जोड़ दिया, सब बराबर है। आप बताइए यहां पर कॉफिशियंट कितना है, ए का कॉफिशियंट 1, ए के साथ गुणा में कितना है, यहां पर 1 है, बी के साथ गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, सी के साथ गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 1 का एलसीएम 1 ही तो होगा, तो यहां पर क्या मानेंगे हम, के मानेंगे, 1 के 1 के का मतलब के ही तो होता है। एबीसी के साथ गुणा में कुछ थोड़ी ना है कि एलसीएम उसका आएगा, कुछ नहीं तो के ही मान लेंगे हम, के ही मानेंगे। अब बताइए बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे, आप सब लोग बताइए ए का मान कितना हो जाएगा। देखिए के माइनस 30, ए माइनस 30 और 4 जो है ना वो उधर जाके ऊपर में गुणा हो जाएगा इंटू 4। बी का मान कितना हो जाएगा, तो के माइनस प्लस 30, हाँ के प्लस 30 हो जाएगा, और जो बटा में 5 है वो गुणा में चल जाएगा। सी का मान कहेगा तो के माइनस 70 और गुणा में 8 हो जाएगा। अरे उलट जाता है, नीचे वाला 4 ऊपर जाके गुणा हो जाता है, नीचे वाला 5 ऊपर, भी है एबीसी का मान हो गया। अब जोड़िए सब लोग, जोड़िए 4 के और 5 के 9 के और 8 के 17 के, नहीं मौखिक थोड़ा जोड़िए ना, 4 के और 5 के 9 के और 8 के 17 के, फिर सुनिएगा यहां पर माइनस का 120, अरे ये हो जाएगा माइनस का 120
आएगा प्लस का 150, माइनस का 120, प्लस का 150 और यहां हो जाएगा माइनस का 560। सब जोड़ दिए ना एबीसी, अब बराबर कितना 20-20 आपका 20-20 हो गया। अब बताइए जी यहां पर हो जाएगा 17K, बताइए 150 में से 120 घटेगा 30 और 30 और माइनस 560, माइनस का 530 और ये उधर जाके जुट जाएगा तो हो जाएगा 2550 हो जाएगा। 17 से काटिए कटेगा ये, 17 एकम 17 और 17 5 85 यानी 150 बार में कट जाएगा, 150 बार में ना, तो k की वैल्यू हो गया 150। अब सवाल कहता है b का हिस्सा बताओ कितना है, तो b का हिस्सा यही ना है, ये वाला b का हिस्सा ही तो है, तो k का मान 150 बैठाएंगे, 150 और 30 कितना 180 और 180 गुना 5 आंसर कितना 900 हो जाएगा आपका। तो कहां मिस्टेक हो रहा था, इस पे थोड़ा मंथन करिए आप लोग, कहां गड़बड़ी हो रहा है हमसे, लगभग सारा सवाल इसका बता दिए, इसको जा करके घर पे दो चार बार इसको बनाना है, दो चार बार ये टाइप को बनाना है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बढ़े आगे, देखिए टाइप 11 ध्यान दीजिए, इधर टाइप 11 में आप याद करिए थ्योरी में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, कहता सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का रेशियो इतना दिया हुआ है और पुरुष और महिला की सैलरी का रेशियो इतना दिया हुआ है, कह रहा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना होगा, है ना। तो देखिए आप बताइए अगर हम टोटल सैलरी में, टोटल सैलरी में अगर एक की सैलरी से हम डिवाइड कर देंगे तो संख्या नहीं निकल जाएगा, लोगों की संख्या निकल जाएगा। टोटल सैलरी में अगर एक लोग की सैलरी से भाग दे दें जैसे मान लेते हैं कि आपका 5 लाख रुपया टोटल जो है सैलरी मैंने दिया, ठीक है, और मान लेते हैं एक लोग की सैलरी 15,000 रुपये, 15 से नहीं कट रहा 20 मान लेते हैं, 20,000 रुपये एक लोग की सैलरी है, जबकि टोटल सैलरी हमने दिया है 5 लाख, तो आखिर लोग कितने हैं, तो कोई बड़ा आराम से निकाल सकता है, टोटल सैलरी जो आपने बांटा है उसमें एक लोग को आपने कितना दिया है, एक लोग की सैलरी से डिवाइड कर देंगे लोगों की संख्या निकल जाएगा क्या नहीं, तो यही चीज तो यहां पे सोचना है और यही चीज लगाना है यहां पर इस सवाल में। आप पढ़ सकते हैं, कह रहे सभी पुरुष और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का रेशियो इतना है, देखिए ये मेल है और फीमेल है और रेशियो दिया है टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी का कितना 6:5, यानी पुरुषों में बांटा गया टोटल 6 के रेशियो में सैलरी और महिलाओं में बांटा गया 5 के रेशियो में, जबकि पुरुष और महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है, यानी प्रत्येक का दिया हुआ है, प्रत्येक की सैलरी दिया हुआ है कितना 2:3 है, 2:3 है। तो सवाल में कहता है संख्या का रेशियो बताओ कि आखिर जो पुरुष और महिला है उनकी संख्या कितना है, संख्या का रेशियो पूछता है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे टोटल सैलरी में एक लोग की सैलरी से भाग कर देंगे। बताइए पुरुषों के बीच कितना पैसा बांटा जाता है 6 और जबकि एक पुरुष को कितना दिया जाता है 2,
अगर पुरुषों के बीच जो टोटल पैसा बटा है उसमें अगर एक पुरुष से भाग कर देंगे संख्या निकल जाएगा, फिर वैसे ही यहां पर महिला में बात करें तो 5/3 हो जाएगा। बोलिए दो से कट एक बार में, तीन बार में, ये 3 जाके इधर गुणा हो गया तो आंसर कितना 9:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, टोटल सैलरी का रेशियो दिया है और एक लोग का सैलरी कितना कितना वो भी पता है, पुरुष महिलाओं की संख्या का रेशियो क्या है तो टोटल में इससे डिवाइड कर दिया। वैसे बनाएंगे 6/2, इधर लिखेंगे 5/3, 2 से 3 बार में कटेगा, क्रॉस गुणा कर दिया, 9:5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े आगे सीधा इसी फॉर्मूले पर ही सवाले है, ये चीज, ये जो चीजें है ना ये आपको आना ही चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए, कोई रटने वाला चीज नहीं है। टोटल सैलरी कितना बांटा गया है उसमें अगर एक लोग की सैलरी कितना दिया है तो उसे डिवाइड कर देंगे तो लोगों की संख्या निकल जाएगा, सीधा बात है। दिया है 6/5 और प्रत्येक की सैलरी भी दे रखा है 2:3 में, अनुपात पूछता है संख्या का तो डिवाइड करके रेशियो कर लिए। बड़े आगे याद रखना ये। अच्छा टाइम भी होने को है, बड़े आगे ये देखिए सवाल हमसे क्या कहता है, देखिएगा एक सवाल ये सिर्फ देख लेते हैं, पुरुष महिलाएं तथा लड़के 3:2 के अनुपात की संख्या में नियुक्त होकर, अब देखिए पहचानिए कि ये पुरुष महिला लड़का उसमें दो ही था, पुरुष महिला इसमें लड़का भी आ गया। अच्छा इस रेशियो की अनुपात की संख्या में, मतलब रेशियो किसका दिया है, संख्या का दे रखा है, पुरुष कितना महिला कितना लड़का कितना उसके संख्या का अनुपात दे रखा है। कहता है एक काम समाप्त करते तथा उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत मजदूरी दिया हुआ है 6:4:3 दिया है। यदि यदि महिलाओं की संख्या 40 हो तथा प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, है ना, प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 रुपया है, 15,200 रुपया है, ऐसा करिए ना, ऐसा करिए यहां पर हमने लिख दिया मेल, यहां पे मेल लिख दिया, यहां पर फीमेल लिख दिया, यहां पे बॉयज लिख दिया लड़का। अगर हम बात करें तो संख्या का रेशियो दे रखा है कितना भाई, 3:2:4 दे रखा है, 3:2:4 दे रखा है संख्या का रेशियो, संख्या का रेशियो। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं तथा उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत मतलब होगा प्रत्येक का, पुरुष का महिला का बच्चा का, तो ये प्रत्येक का दे रखा है, व्यक्तिगत हो गया मतलब पर्सनल निजी, तो ये हो गया 6:4:3 है, 3 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके टोटल सैलरी का रेशियो निकलेगा। क्या थोड़ा सोचिए, यह एक लोग की मजदूरी 6, मजदूर कै गो है, 3 गो है, 3 गो है, तो 6 + 3 कितना 18 हो जाएगा आपका, नहीं उसमें डिवाइड किए थे वो अलग चीज था, यहाँ पे गुणा करना है, रटना नहीं समझना है, एक लोग की मजदूरी है, ये वो पुरुष का ही मजदूरी है, अब पुरुष है कै गो, 3 गो, तो संख्या पता है और ये वो पुरुष की मजदूरी पता है तो गुणा करेंगे तो टोटल मजदूरी निकलेगा, है ना। तो यहां पर आपका हो गया टोटल, टोटल सैलरी भी लिख सकते हैं या मजदूरी भी लिख सकते हैं, वेजेज, टोटल सैलरी हो गया कितना, 6 * 3 = 18, 4 × 2 = 8 और 4 * 3 = 12 हो गया, ये चीजें हो गया, ठीक है। अब देखिए महिलाओं की संख्या दे रखा है 40, महिलाओं की संख्या दे रखा है 40 और हमारा क्वेश्चन किससे है,
लड़का से है कि प्रत्येक लड़का की मजदूरी क्या है, जबकि महिलाओं की संख्या 40 है। तो आप बताइए यहां पर 2:2 का मान कितना दिया है। देखिए संख्या का रेशियो 2 है महिला का, तो 2:2 का मान 40, तो बोलिएगा 1:1 का मान 20, तो आप बताइए 4:1 का मान 80, यानी 80 लड़के हैं बॉयज, 80 लड़के हैं कुल मिलाकर के। महिलाओं की संख्या 40 है, 2:1 का मान 40, तो 1:1 का मान 20, तो 4:1 का मान 80, 80 को लड़का है। अच्छा ये क्या है टोटल मजदूरी ना जी, तो टोटल मजदूरी को इस रेशियो में बांट देंगे, बांटिए 12, 8, 20 और 18, 38, 38 से इसमें भाग दीजिए, 40 बार में भाग लग गया, 400 बार में, तो 1:1 का मान 400, 1:1 का मान 400, तो क्वेश्चन हमारा लड़का से है, तो 12:1 का मान कितना 4800, क्यों जी, अरे कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी का रेशियो है, तो 15,200 इसी रेशियो में बटेगा, तो 12:1 का मान 4800, कैसे बांटे, इस रेशियो को जोड़ के इसमें भाग दिए, तो 400 बार में भाग लगाते, 1:1 का मान 400, तो 12:1 का मान 4800, तो 4800 रुपये लड़का के बीच बटा है, जबकि लड़का कै गो है, 80 गो लड़का है, 4800 रुपया उनके बीच बटा है, तो एक बच्चा एक लड़का का मजदूरी कितना होगा, तो डिवाइड कर देंगे, छापिएगा एक लड़का की मजदूरी या सैलरी भी कह सकते हैं, तो टोटल 4800 में लड़कों की संख्या 80 से भाग दिए, आंसर कितना हो गया 60 रुपया हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये जो भी टाइप अब शुरू हुआ है ना, ये सब टाइप में यही इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। नोट कर लिए, कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, अभी इस पैटर्न का आगे बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा। अभी तो 12:1 का मान 4800 आ गया और बच्चे 80 हैं, तो एक बच्चे की मजदूरी कितना है, तो 4800 में 80 से भाग दिया 60 रुपया। चले ठीक है, बाकी जो है आज की सेवा यहीं तक, मिलेंगे हम लोग यहां से आगे कल की क्लास में, है ना। और टोटल सैलरी को अगर कोई काटने की बात है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15,200 को बांट दे इस रेशियो में, 12:1 का मान 4800। पुरुष का निकालना होता तो 18:1 का मान निकालते, 7200, और 2:1 का मान 40, तो 1:1 का मान 20, तो 3:1 का मान 60, यानी 60 वो पुरुष है, उसको पैसा मिला 7200, तो एक वो पुरुष का कितना होगा, 7200 में 60 से भाग दे देंगे, एक पुरुष का हिस्सा हो जाएगा क्या, हाँ तो 19 से काटिए, 800 बार में कट गया ना ये, 12, 8, 96 गए सही, काटने के बाद ही 12 रहा, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब हो जाएगा। चले ठीक है, निकलिए आप लोग भी।